इस वीडियो में हम 2021 साल के 5 सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। अब क्रिप्टो करेंसी कोई नई चीज नहीं है, पिछले कुछ महीनों में ये चर्चा का विषय बन गई है। भारत में भी क्रिप्टो करेंसी बाजार में निवेशकों की रुचि खास बढ़ गई है। हाल के कुछ हफ्तों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव आए हैं। बुधवार को मार्केट क्रैश भी हुई और अब मार्केट के जख्म वापस भर भी रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी बेहद विविध है। यदि आप ब्लॉकचेन तकनीक समझते हैं तो आप भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। इस समय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में 1600 से अधिक क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है और ये बढ़ते ही जा रही है। इनमें से कुछ नए और तेजी से लोकप्रिय हो रहे क्रिप्टो करेंसी के नाम डॉज कॉइन, शिबा इनू, कार्डानो है। क्रिप्टो करेंसी के दो बड़े महारथी और सबसे पुराने क्रिप्टो कॉइन्स बिटकॉइन और इथेरियम है। पिछले कुछ सालों में रिपल ने भी अपनी अहमियत को क्रिप्टो निवेशकों के सामने साबित किया है। इसके अलावा और भी कई क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो पिछले कुछ समय में बेहद लोकप्रिय हुए हैं और मार्केट में अभी अरबों की वैल्यू बना रहे हैं। आइए इनके बारे में। नंबर वन ऑफ कोर्स है बिटकॉइन। बिटकॉइन ही एक ऐसा कॉइन है जिसने इस डिजिटल मार्केट को रचा। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करने वाला बिटकॉइन सातोशी नाकामोतो नाम से काम करने वाले एक व्यक्ति या ग्रुप ने बनाया। इस व्यक्ति की असली पहचान अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है। ऐसा भी हो सकता है कि ये केवल एक व्यक्ति हो या कई लोगों का एक ग्रुप हो। बिटकॉइन इस समय सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो कॉइन है। इस कॉइन का अभी तक की सबसे ज्यादा कीमत $64,829 या भारतीय मुद्रा में 43.7 लाख रुपए रही है और खबर लिखने के तक इसकी कुल मार्केट कैप 54,340 अरब रुपए थी। नंबर टू है इथेरियम। बिटकॉइन के बाद यदि कोई क्रिप्टो कॉइन सबसे लोकप्रिय है तो वो इथेरियम है और ये बिटकॉइन से काफी अलग भी है। दरअसल इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का नाम है और इसके क्रिप्टो कॉइन का नाम इथर है। ये एक यूटिलिटी क्रिप्टो करेंसी है जिसे इथेरियम प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए भुगतान के रूप में दिया जाता है। इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन या डैप्स बनाए जाते हैं। ये गेम्स भी हो सकते हैं और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स भी हो सकते हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का आईपीओ। इथेरियम का ऑल टाइम हाई 3.2 लाख रुपए के आसपास रहा है और खबर लिखने तक इसकी मार्केट कैप 23,000 अरब रुपए थी। नंबर थ्री है रिपल XRP। तीसरे नंबर पर हम बिना संकोच रिपल XRP को रख सकते हैं। अभी तक ये काफी सुरक्षित यूटिलिटी कॉइन माना गया है और शुरुआत से इसे कई बैंक का सपोर्ट भी मिला है। रिपल के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर बनी कई ट्रांसफर सर्विस ने पिछले कुछ सालों में काफी ग्रो किया है। कई निवेशकों और क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिपल आने वाले समय में पारंपरिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बन सकता है। खबर लिखने तक इसकी मार्केट कैप 8,200 अरब रुपए थी और इसके ऑल टाइम हाई 248.56 रुपए रहा है। नंबर फोर है लाइटकॉइन। लाइटकॉइन एक और बड़ा नाम है जिसे बिटकॉइन का प्रतिद्वंदी माना जाता है। इस कॉइन को रोमरा की जिंदगी में भुगतान के लिए बिटकॉइन से ज्यादा बेहतर कॉइन समझा जाता है। इसका लेन देन भी P2P नेटवर्क के जरिए होता है, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क, जो बिटकॉइन से ज्यादा तेज होता है, जिसका एक मतलब ये भी है कि इसे भविष्य में मर्चेंट द्वारा पसंद भी किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल बिटकॉइन को सरकारों और बैंक द्वारा अपनाया नहीं गया है, इसलिए लोग बिटकॉइन पर पैसा लगाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। खबर लिखने तक इसकी मार्केट कैप 1,000 अरब रुपए थी और इसका ऑल टाइम हाई लगभग 30,242 रुपए रहा है। नंबर फाइव है कार्डानो। कार्डानो को भी इस लिस्ट में डालना बनता है। इस कॉइन से पिछले कुछ समय में निवेशकों को काफी खुश किया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भविष्य में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके पीछे इथेरियम को रचने वाली टीम के एक सदस्य चार्ल्स हॉकिंसन का हाथ है। कार्डानो के पीछे रही टीम का कहना है कि ये अन्य ब्लॉकचेन से बेहतर ब्लॉकचेन पर बनी है। इसे इथेरियम किलर के नाम से भी जाना जाता है।
हालांकि फिलहाल ये अपने शुरुआती चरण में है और नई क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसे काफी प्यार मिला है। खबर लिखने तक इसका मार्केट कैप 4000 अरब रुपए था और इसका ऑल टाइम हाई 180.50 रुपए रहा था।